सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सूचना आयुक्त IAS श्री हीरालाल त्रिवेदी जी का गत दिवस गुना नगर आगमन हुआ। श्री त्रिवेदी जी औदिच ब्राह्मण समाज के सामाजिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इसके पश्चात स्थानीय सर्किट हाउस में सपाक्स पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की। सपाक्स पार्टी का 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक स्थापना माह के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के तहत श्री त्रिवेदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं को कहा। श्री त्रिवेदी जी ने कहा, हमारे देश में एक झंडा एक विधान होना चाहिए। वर्तमान सरकार की विभाजनकारी नीति देश और समाज को कमजोर कर रही है। इससे समाज में वर्गभेद और वर्ग संघर्ष भी बढ़ रहा है। देश में सभी को समान अधिकार होना चाहिए। आरक्षण केवल आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को, चाहे वह किसी भी जाति, समुदाय और लिंग का हो, मिलना चाहिए। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा करते हुए श्री त्रिवेदी ने कहा, सपाक्स पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मंत्री RK मिश्रा, इंजीनियर SK राजौरिया, वीरेंद्र भार्गव, देवेंद्र रघुवंशी, सुरेश सोनी, देवी लाल कोरी, अशोकनगर मनोज तिवारी, दीपक शर्मा, हेमंत शर्मा सहित जिले के पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन व्यवस्था प्रदेश संगठन महासचिव पंडित लखन शास्त्री ने की। आपके पड़ोस की बात है, नामांतर में फ्री में सरकार का काम फ्री में करके देगी। हाँ। 50 लाख रुपए उसको। हाँ, अभी होना 50 लाख का रफ्तार पास उसको तहसीलदार को उनको निलंबित कर दिए 50 लाख में एक नामांतर करने के। हाँ, जो सरकार के फ्री में पार्टी में अपने आप होना चाहिए। हाँ, तो वो पता नहीं क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है। और आप सुंदर वाला है, सुन बोलिए, आप कहीं भी जाइए कोई सुनने वाला नहीं। तो ये सिस्टम आखिर मतलब कहाँ जाएगा? हम बाकी मुद्दे तो कर जब आप अलग कर दिए या तो एक घर पे लेने उठी है, वो सब रिटायर हो गए मैक्सिमम उसमें से रिटायर मैं भी उड़ रहा है ना। और या ये कि हताश हो गए बढ़ता जाए मतलब। और उनका टारगेट ये है कि अभी वो ये समझ लीजिए कि अगले 2-3 साल में अरे आपका उनका है तो ये भी एक इशू है कि आखिर वो सरकार को नहीं चाहिए, वो तो चाहते हैं जितना लंबा खींचे किस तरह चला जाए। दूसरा, सरकार के पास पैसा भी नहीं है, वो भी नहीं चाहते कि नहीं भर्तियाँ जो कोई भर्तियाँ करते हैं विज्ञापन के काम में तो कोई कुछ पेच ऐसा फंसा देते हैं जिसके बाद भी पेंच फंसा दिया मुझे, कोर्ट जाना पड़ा हाई कोर्ट में, तो वहां से निर्णय हुआ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ वो उनका ये नहीं है कि लोग को नौकरी मिले, काम हो, ये हो, बस वो तो अपना ये है कि साहब हम OBC के लिए ये कर रहे हैं, हम SC के लिए ये कर रहे हैं, ST के लिए ये कर रहे हैं, और जनरल के लिए कोई स्टार हमने जनरल के लिए भी कह देते हैं, हमने EWS दे दिया, आपको दे दिया EWS। तो लेकिन इन सब से कुछ होना जाना नहीं, इशू बड़ा क्लियर थे कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बार मिल गया ठीक है, अब एक बार सबको दे दे रहा हूँ, बाद में एडमिट क्यों करो, एक बार दे दिया था। तो वो भी अधिकारी कर्मचारी ज्यादातर सफर हो रहा है, एट्रोसिटी एक्ट के मुद्दे पर अभी नहीं चुकी, कुछ नहीं करना चाहते, कहते हैं कि यहाँ सब नहीं होना चाहिए, एक जैसे कानून होना चाहिए। अभी फिर कह रहे हैं सबके हम एक समान सिविल कोड लाए थे, तो क्रिमिनल कोड में तो सब रखा है, क्रिमिनल कोड भी एक जैसा है, सिविल कोड भी एक जैसा।